उत्तराखंड के देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को राज्य स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि राज्य सरकार लंबे समय से इस समिट के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियां में जुटी हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम स्थल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और इसी के तहत अब तक 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का करार भी हो चुका है। समिट हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इससे निवेश तेजी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं, उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए हैं, ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोज़गारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड।